माया किचन में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम बनाएंगे ब्रेड पकौड़ा। हमने चार आलू लिए हैं, इन्हें उबाल लिया। चार हरी मिर्च लिए हैं, इन्हें काट लिया है। और थोड़ा सा धनिया। कढ़ाई में हमने तेल डाल दिया है। तेल को होने देते हैं। अब हम इस पर जीरा डालेंगे, हरी मिर्च, हरा धनिया डाल देंगे। हम इसे भूलेंगे। अब हम इसमें आलू डालेंगे। आलू को थोड़ा सा भूलेंगे। अब इसमें हम नमक डालेंगे, धनिया पाउडर डालेंगे 1 चम्मच, मिर्ची डालेंगे थोड़ी सी, एक चम्मच आमचूर डालेंगे, आधा चम्मच गरम मसाला डालेंगे, आधा चम्मच हल्दी डालेंगे। अब हम इन सब चीज़ों को मिक्स करेंगे। आलू को फोड़ लेंगे, अच्छे तरीके से मैश कर लेंगे। गैस को धीमा रखेंगे। आलू हमने मैश करके निकाल लिया है, कढ़ाई में चढ़ा दिया है। तेल डालेंगे, हम इसमें तेल डालेंगे। तेल को गर्म होने देते हैं, तब तक हम बेसन का पेस्ट बना लेते हैं। एक कटोरी बेसन लिया है, बेसन को हम डालेंगे, एक कटोरी बेसन को, अदरक लहसुन का 1/2 चम्मच पेस्ट डालेंगे। आधा चम्मच नमक डालेंगे। आधा चम्मच हल्दी डालेंगे। और हम इसका घोल बनाएंगे। आधा गिलास हमने पानी लिया है। इसमें एक बिलंस नहीं रहना चाहिए। अच्छे तरीके से फेटेंगे। बेसन को देखो इस तरीके से भूनना है। इसमें देखो एक भी लंच नहीं है। अब बेसन को रखते हैं साइड। अब हम ब्रेड को तैयार कर लेते हैं। तब अपने ब्रेड को तैयार कर लेते हैं अच्छे तरीके से। जब तक तेल हो रहा हमारा भैया, क्या हम इसको बीच में से काट लेंगे इस तरीके से। ये हमने काट के रख ली है। एक ब्रेड मैंने ऐसे ही छोड़ी है। इसको हम आपको बाद में बताएंगे कि क्या करना है इसका। पूरी ब्रेड को हमने भर लिया है, भर करके ऐसे ही छोड़ दिए। हमारा हो चुका है। तेल को कर देंगे धीमा।
अब हम इसको तेल में फ्राई करेंगे। हल्की आंच पे फ्राई करेंगे। ये देखिए हल्का ब्राउन हो चुका है। अब इसको निकाल लेंगे हम। ये देखिए कितना फूला हुआ बना है, कितना बढ़िया लग रहा है। हमने प्लेट में निकाल लिया। ऐसे ही हम सारे ब्रेड पकौड़े तल लेंगे। अब हमने जो ब्रेड ऐसी रखी थी उसको अच्छी तरीके से बेसन में डुबोएंगे। अच्छी तरीके से सारा बेसन इसी में लपेट लेंगे। तरीके से लपेट लिए हैं और हम इसको फ्राई करेंगे। अब आप इस ब्रेड को तिरछा भी काट सकते हैं इस टाइप से, या फिर ना काटें ऐसे ही खा सकते हैं। देखिए देखिए कितने सुंदर बने हैं। अब आप इसको चटनी के साथ खाइए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए।